मैंने वो फाड़ के उधर ही फेंक दिया और आ गया घर। तेरे बाप को तो बाबू। मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल एंड आप सभी का स्वागत है मेरे वीडियो में। कुछ इस तरह का व्यू है मेरा सामने का। उठा हूँ, फ्रेश हो लिया, ब्रश कर लिया मैंने और अभी फिर एक्सरसाइज करूँगा। तो मैं वो एक्सरसाइज दिखाऊँगा नहीं क्योंकि लास्ट व्लॉग में मैंने दिखा चुका हूँ। क्या है ना, ये फैट और ये थोड़ा सा बढ़ गया, निकल आया तो कम करना है मेरे को। हाँ, एक्सरसाइज कर लिया। एक्सरसाइज करने के बाद में मैं थोड़ा फैन के नीचे बैठ गया तो पसीना वसीना सूख गया है। तो अभी हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट में, ये देखिए, ये भी डाइटिंग वाला खा रही है ओट्स। वो बने हैं मूंग की दाल के वड़े और वो है मेरी प्लेट, उसमें भी ओट्स हैं। गाइस कितने चला रही है, इसको पता नहीं कि वीडियो ऑन है, मतलब कैमरा में व्लॉगिंग कर रहा हूँ। जैसे पता चलेगा ना चुप हो जाएगी। ये देखिए, सेवे बोलो, व्लॉगिंग हो। तो गाइस ये ऐसे ही मस्ती करती रहती है और ऐसे ही खेलती रहती है। क्या चाहिए? फ़ोन चाहिए? तेरे बाप को तो बाबू फ़ोन मिला था 16 साल का हो गया था तेरा पापा जब फ़ोन मिला था तेरे पापा को, और तुझे अभी से चाहिए। गाइस यहाँ मैं इसको नहला के आ चुका हूँ, चलिए इसको हम कपड़े वपड़े पहना देते हैं। गाइस अभी इसको तो नहला दिया, मेरी बारी है, मैं नहा के आता हूँ। गाइस मैं नहा कर आ चुका हूँ, आप उसे फनी भी कह सकते हैं और बेवकूफ़ी भी कह सकते हैं, पर आज मैं उसको कर रहा हूँ तो उस लम्हों को याद कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब खुशी हो रही है, ऐसा लग रहा है मतलब मैं कितना बचपन में, या मासूम कह लीजिए, भोलापन कह लीजिए, या फिर बेवकूफ़ियत कह लीजिए। जब मैं सेकंड क्लास में था, मैं मेरा स्कूल था केंद्रीय विद्यालय, तो सेकंड में एक ड्राइंग कंपटीशन हुआ था, ड्राइंग बनानी थी, मैंने ड्राइंग बनाई तो मुझे उसमें सेकंड प्राइज़ मिला, सेकंड नंबर आया था मेरा ड्राइंग कंपटीशन में। तो वर्ल्ड एड्स डे के दिन हुआ था हमारा प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन, पता तो चल गया था मुझे, लिस्ट आ गई थी क्लास में कि मतलब फर्स्ट इसका है, सेकंड इसका है। तो मेरा नाम जो बहुत मतलब बाद में आया, किसी को टिफिन मिल रहा था, किसी को पेंसिल बॉक्स मिल रहा था, मतलब हम छोटे छोटे थे ना तब, और वर्ल्ड एड्स डे पर मिल रहा था तो हम लोग मतलब ऐसे ही मस्ती मजाक में हम लोग एक दूसरे से दूर बैठ रहे थे, एक दूसरे से मतलब छूने से भी फैलता है एड्स, तो लेकिन तब पता नहीं था। तो वहाँ पर आए थे तो उन्होंने बताया छूने से नहीं फैलता है, किसी और कारण से फैलता है। तो मुझे मिला था सेकेंड प्राइज़, मुझे सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट मिला, और जो मेरे दोस्त थे ना, किसी को टिफिन बॉक्स मिला, किसी को पेंसिल का बॉक्स मिला, किसी को मेडल मिला, मतलब सर्टिफिकेट तो सबके साथ में था, उनके साथ में सरप्राइज मिला। तब मुझे पता नहीं था कि ये क्या चीज़ होती है। तो जैसे ही प्रोग्राम ख़त्म हुआ और मैंने वो फाड़ के उधर ही फेंक दिया और आ गया घर। सोचता था मैं अगर आज मैं होता सेकेंड क्लास में और आज मुझे सर्टिफिकेट मिलता, मैं फाड़ के फेंक देता, तो अब मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बेवकूफ़ बना था, वो मुझे रखना चाहिए था, भले कुछ भी ना हो लेकिन मेमोरीज होती हैं वो रखनी चाहिए थी। तो यही था गाइस, छोटा सा मतलब इंसिडेंट था। 10:33, तो आज पता नहीं मैं कैसे थक गया, मतलब दिन में कुछ ज़्यादा काम भी नहीं किया, तो अभी मुझे आ रही है नींद, और नींद आने मतलब मैं अभी सो जाता हूँ और सुबह जल्दी उठ के व्लॉग एडिट कर दूँगा, एडिट करके अपलोड कर दूँगा। गाइस मैंने 5:30 का अलार्म भरा था और मैं सोचा कि उठ के एडिट कर दूँगा, लेकिन अभी 7:30 बज चुके हैं तो अभी कुछ एडिट करना है और अपलोड करनी है वीडियो। नहीं, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अच्छा।